ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. सोशल प्रिपरेशन, शादी से पहले दूसरों के साथ मिंगल होना, सोशलाइज होना, इंटरैक्शन रहना, दोस्ती करने सीखना. हमारे नौजवान बच्चों को हमेशा मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, कौन से मीटिंग में भी जाओ, सिर्फ बूढ़े बैठ के रहते. बेचारे, उनका आराम करने का टाइम है. मैं उन्हें बोल रहा हूँ, बूढ़े लोगों को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ. बूढ़े हमारी इज्जत है, बूढ़े हमारी शान है, बूढ़े लोगों की कदर करो. बड़ों की कदर करो, उनके एक्सपीरियंस से फायदा लो, लेकिन एक्टिवली तुमको पार्टिसिपेट होना है अपने फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए, अपने समाज, अपने सोसाइटी के लिए. लोगों से मिंगलिंग होना सीखो यार, बात करना सीखो यार. शादी के बाद तुमको बात करने नहीं आया, ससुराल में जाके बैठ जाते ऐसे. साइड में साला आया तो साले से कैसे बात करना. वो बेचारा भाईजान आया, बोलिए बात करने आता, इनको बात करने नहीं आता. इन्हों फुप्पा, इन्हों चाचा, यार उठो, एक लीडरशिप क्वालिटी बताओ यार, बात करना सीखो यार. फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वो हमेशा ये सही नहीं होता, बट एक एंगल से सही है. आप फर्स्ट दिनों में जो तुम्हारा इंटरेक्शन होता ना तुम्हारे ससुराल के रिश्तेदारों से, वल्लाह बहुत इंपैक्टेबल रखो उसको, बहुत ही इफेक्टिव रखो. ऐसा लगना कि एक हीरो का एंट्री हो उनके उनके फैमिली के अंदर. ओके, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे बच्चे अपने फैमिली के साथ, शादी से पहले की बात हो रही है अभी, शादी से पहले चाचा, फूफी, नाना, नानी, कजिन्स और खानदान के फार रिलेटिव्स कोई इंटरेक्शन नहीं रहता. वल्लाही ये एक नमूने का डेंजर जोन है, जहां पर हम लोग इंटरेक्शन कम हो गया. मोबाइल के जरिए से ही हमारा माशाल्लाह चलता, बारकल्ला चलता, इन्ना 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 जीवन भी चलता. किसके जरिए से? जनाबे की नमाज में जाने हम जरूरी नहीं समझते इन्ना 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 जीवन, फिर थोड़ा आ गया ना पूरा. नमाज पढ़ना है मोबाइल में, नमाज में मोबाइल पढ़ लेते शायद. क्या देखो किस हद तक हम लोग यानी कि एक डार्क एरा में जी रहे हैं. ब्रदर्स प्लीज, मेरे कंटेंट को एज इट इज मैं दे देता हूं, ये कोई कस्टमाइज और मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है. और इंडीड ये मेरे एक्सपीरियंस का नतीजा है, मैंने किताबों से जरूर पढ़ा है, उलमा से जरूर पढ़ा है, लेकिन ये जो कंटेंट है ना, मैं 10 साल एज ए टीम वर्क किया है मैंने. 3000 सेशंस को हम लोगों ने अटेंड किया, 3000 सेशंस मिनिमम. 700 फैमिलीज के केसेस को हम लोगों ने हैंडल किया है, उसका ये फ्लेवर है मैं आपके सामने बता रहा हूं. ओके, कितने किस्से ऐसे आते, शादी हो गया, बच्चे हो गए, 10 साल के बाद झगड़ा, पहले आके औरत काउंसलिंग सेंटर में क्या बोलने के मालूम, इन्हों शादी होके पहले दिन आए सीधे के रूम के अंदर बैठे सो, बाहर मेरे चाचा आते हैं, फुप्पा आते हैं, पूरे लोग इंतजार कर लेकर आते, किस करे बात करें. गॉट इट? अरे शादी से पहले किसी से बात नहीं किया, दोस्तों के साथ क्रिकेट के लिए बात किया था, घूमने जाने के लिए बात किया था, इंटरेक्शन आता ही नहीं, बात करने आता ही नहीं. मेरे प्यारे भाइयों, अपने आप को सोशली कैसे मिंगल करना है, इंटरेक्शन क्वालिटीज अपने अंदर लाओ, फैमिली के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने जो है दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जो जमाते हैं, जो मसलक हमारे हैं, जो हमारे उलमा हैं, एक ये हो गया. दूसरा, कॉमन मिनिमम और सेम कॉज के लिए काम करने वाले, वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने वाले कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके साथ जाके टाइम स्पेंड करो, वॉलंटियर बनो, उनके मीटिंग में जाओ, बैठो, सुनो. सिर्फ शादी के बाद तुम्हारी तुमको लीडरशिप अगर आना है तो वहां से आते हैं, बुक्स से नहीं आते हैं. बुक्स पढ़ के कोई लीडर नहीं बना, बुक्स पढ़ के लीडर नहीं बना, एनवायरमेंट से लीडर बना. एनवायरमेंट, अपना जो एनवायरमेंट जो होता है उससे बना, माहौल से बना है लीडर. आपको लीडर बनना है तो अपने बच्चों के साथ, बहुत सारे मैं लड़कों को देखता हूं,
लड़की आप लोगों की बात कर रहा बेटा, नाराज नहीं होना, आप लोग नहीं है, पहले बोल दिया। स्टिल बहुत सारे यंगस्टर हमारे ऐसे हैं जिनको है ना छोटे बच्चों को लाड करना ही आता नहीं, ना ना मुझे पकड़ने आता है, मुझे पकड़ने आता है, नाटक कर नाटक, वरना नाटक नहीं एक्चुअली उनको आता नहीं पकड़ने के लिए, क्यों मालूम नहीं बच्चों को कैसे लेना, लाड करना, पप्पी देना, उनके साथ खेलना, उनके साथ सिंग करना, ये सब आदत डालो अबीच, आदत अब बीच डालो, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को मेक करता है, बनाता है। शादी के बाद ये तुमको काम आने वाली चीज है, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं, तुम्हारी ओवरऑल एक होलिस्टिक पर्सनालिटी मेक करना है। तो बहुत सारे लोग बच्चों को अस्सलाम वालेकुम वो भी 3-4 फीट दूर ठहरकर और 2 फीट से पप्पी देखे आते करके हाथ में लेके लाड करना, या अल्लाह सुभान अल्लाह, इसमें जो मजा है ना बच्चों को प्यार करके लाड करने में जो मजा है ना, वल्लाही बहुत ही बदनसीब है वो नौजवान जो छोटे बच्चों को प्यार करना नहीं जानते, उनको मालूम ही नहीं कि क्या टेस्ट है छोटे बच्चों का प्यार, प्यारे बच्चों का। प्लीज कितना टाइम टाइम हो रहा है, चाय कितने बजे की? ओके ओके श्योर श्योर, कोई बात नहीं। अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ओके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सोशली मिंगल होना जो बात हो रही ना शादी से पहले, एक आइसोलेट लाइफ जिंदगी मत गुजारो, लोगों के साथ इंटरेक्टिव रहो, मेरी बात समझे। उसके लिए एक हदीस में जिक्र कर रहा हूं, अल मुमिन अल्लज़ी युखालितु अन्नास व यसबिरु अला अज़ाहुम, ऐसा मोमिन, आप लोग सब मोमिन है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप में से अच्छा मोमिन वो है जो लोगों से इंटरेक्ट होता है, लोगों के साथ मिंगल होता है, वयस्बिरु अला अज़ाहुम, हाँ जब मिंगल होंगे तो तकलीफें तो आएंगी ना, हर आदमी तुम्हारी तारीफ करना जरूरी नहीं, हर आदमी तुमको समझना जरूरी नहीं, तुमसे भी गलती हो सकती है, हसद भी कोई कर सकता है, क्रिटिसिज्म कर सकता है, वयस्बिरु अला अज़ाहुम, जब ऐसी जब तकलीफ आए तो क्या करना, सबर करना, पेशेंस, झगड़े करने नहीं जाना हर चीज हर तरफ, ओके कभी कभी जानबूझ के हारना सीखो, जानबूझ के हारना सीखो, और खैरु मिनल मुमिन अल्लज़ी ला युखालितु अन्नास, उस मोमिन से वो मोमिन अच्छा है जो लोगों से नहीं मिलता, नमाजी रहेगा, दाढ़ी है, पैजामा ऊपर है, लेकिन लोगों के साथ ना हंसी है, ना स्माइल है, ना इंटरेक्शन है, ना मजाक है, कुछ भी नहीं। भाई ऐसा मत बनो यार, ऐसा मत बनो, ये अच्छा अच्छी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मॉडल एक नौजवान का या एक मुसलमान का जो रूप हमें बताया ना, वो एकदम से सबके साथ फेमिलियर होना है उसको। भाई सवाल लिखे रखो चाचा, चाचा बोलो क्या बोले, मिंगल होना जरूरी है, हाँ मिंगल होना जरूरी है, ठीक है, वो बेहतर ना मिंगल होता वो गलत है, लोगों के साथ मिंगल होना है, लोगों के साथ इंटरेक्शन बाकी रखना है, आइसोलेट होकर अपने आप में चलना, कम बात करना, ये नेचर अच्छा नहीं है, लोगों के जरिए से जो होने वाले जो क्रिटिसिज्म है, तकलीफा है, हसद है, जलेसी है, सबर करो उस पे, झाड़ में आम होगा तो पत्थर तो मारेंगे ना, खाली झाड़ जिसमें आम नहीं है, जिसमें फल नहीं है, कौन पत्थर मारेगा यार, है? तो ऐसा झाड़ बनो जिसमें कोई पत्थर मार, नो प्रॉब्लम, सबर कर लो, ये आपके लिए ये है प्लस पॉइंट है, ओके okay?